जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आज मैं आपको कलरफुल गवली के लिए चावल को कैसे कलर करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। मंदिर में जब कभी आप चैत्य वंदन करते हैं तो कलर वाले चावल का इस्तेमाल कभी ना करें। मंदिर में भगवान के सामने केवल वाइट चावल का ही यूज़ होता है। दूसरी बात, कलर वाले चावल उपाश्रय या कोई धार्मिक प्रोग्राम के वक्त डेकोरेटिव गवली के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब कलर कैसे करना है वो स्टार्ट करते हैं। पहले एक प्लेट में चावल ले लीजिए, और अगर आप ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो हाथ को थोड़ा गीला कर लें और कलर निकाल के मिक्स करें। थोड़ा ही कलर, जितने चावल है उतना ही कलर लीजिए। अपने हाथों से मिक्स करते रहिए और आपने जो भी कलर लिया है वो थोड़ी ही देर में हो जाएगा। फिर उसको सूखने के लिए रख दें। 10-15 मिनट में आपको जो भी गवली करना है जिस भी कलर से वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हाथ गीले करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ड्राई पाउडर कलर ही यूज़ करने का सजेशन दूंगी। मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। ये आपका लिक्विड कलर से किया हुआ कलर हो गया है। इसको भी ड्राई करने के लिए रख दें और आप उससे भी गोली बना सकते हैं। आप सिर्फ फूड कलर या कोई नेचुरल कलर ही यूज़ करें, बिकॉज बाद में ये चावल वहाँ काम करने वाले लोग ले जाते हैं या फिर कबूतर चन में यूज़ होता है। इसका खास ध्यान रखें। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप घर में नेचुरल चीज़ों से भी कलर कर सकते हैं, जैसे कि आप घर में पड़ी हुई हल्दी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप हल्दी का पाउडर ले लें और उसको हाथ गीला करके इसमें डाल दें तो आपका येलो कलर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो ऑरेंज कलर हो जाएगा। सेम, और उसके बाद अगर आप घर में पड़ी हुई कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो आपका ब्राउन कलर हो जाएगा, ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसे आप कलर यूज़ कर सकते हैं। आप सबके लिए एक सवाल है, मंदिर में हम स्वस्तिक या गौली करने के लिए चावल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।